नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आपका स्वागत है एक्सेस भारत में। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा का आंतरिक कलेश सामने आने लगा है। इस क्रम में मंगलवार को जामा की पार्टी विधायक सीता सोरेन ने दल के महासचिव समेत प्राथमिक सदस्यता तक से त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने झारखंड विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। सीता सोरेन ने अपना इस्तीफा जामुमो प्रमुख सीबू सोरेन को प्रेषित किया है, जिसमें उन्होंने कई आरोप लगाए। सीता सोरेन झामुमो प्रमुख सीबू सोरेन के बड़े पुत्र स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी है। उनका आरोप है कि पति के निधन के बाद से वो उपेक्षा की शिकार है। उन्हें पार्टी और परिवार से सदस्यों से अलग थलग किया गया, जो उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक है। उन्हें उम्मीद थी कि समय के अनुसार परिस्थितियों में सुधार होगा, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। उन्हें पति दुर्गा सोरेन ने खून पसीने से जामुमो को बड़ा दल बनाया था। पार्टी अब उन लोगों के हाथ में चली गई जिनका दृष्टिकोण और उद्देश्य हमारे आदर्शों से मेल नहीं खाते। पत्र में उन्होंने उल्लेख किया है कि सीबू सोरेन ने सबको एकजुट रखने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वे विफल रहे। सीता सोरेन का आरोप है कि उनके परिवार के विरुद्ध गहरी साजिश की जा रही है। ऐसी स्थिति में उन्होंने निर्णय किया है कि झामुमो और इस परिवार को छोड़ना होगा। सीता सोरेन ने विधानसभा की सदस्यता से भी त्याग पत्र दे दिया है। विधानसभा अध्यक्ष को प्रेषित पत्र में उन्होंने झामुमो की प्राथमिक सदस्यता छोड़ने का हवाला देते हुए उल्लेख किया है कि पार्टी छोड़ने से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए वो विधायक पद से इस्तीफा दे रही हैं। सीता सोरेन भाजपा में शामिल हो गई हैं। आज ही उन्होंने झामुमो के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। वो अभी दिल्ली में हैं और दो दिनों के बाद वो रांची लौटेंगी। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि दुमका से भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। यदि दुमका से वो चुनाव लड़ती हैं तो भाजपा प्रत्याशी सुनील सोरेन का पत्ता साफ हो जाएगा।